यस डॉक्टर, सो आज हम गर्मियों की बात कर रहे हैं और गर्मियों के साथ आने वाली बीमारियों के बात कर रहे हैं। आपने बताया कि दिल्ली में ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आज ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं और आपके पास आके गए हैं। सो इज इट रिलेटेड टू समर्स और समथिंग एल्स और कोविड? कोविड इज वन बिग रीजन। कोविड है वो, उसके वजह से कई लोगों को ये ना एक्चुअली क्या है, कोविड का जो एक साल निकला है दैट इज अ बिग रीजन कि कई लोगों के अंदर उनकी इम्यून सिस्टम डिक्रीज कम हो जाना, कई लोगों को साइलेंट कोविड 80% लोग हैं जिनको जिनके लंग्स में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। जहां हम कहते हैं कि अब कई लोग, आपको ने सुना होगा कि कोविड में कई लोगों के जो लंग्स हैं वो थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं, 10%, 20%, 50%। तो यहाँ पर अगर आप इतना सोच के देखें कि कोविड अगर लंग डैमेज कर सकता है तो कोविड जहां जहां जाएगा वहां वहां डैमेज क्यों नहीं कर सकता, ठीक है? सो इट कैन डैमेज योर इंटेस्टाइन्स, इट कैन डैमेज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वेरेवर इट गोस, वेरेवर कोविड जहां जाके आपके बॉडी में बैठेगा वहां डैमेज करेगा। सो ये सोचो कि एक साल गुजरा है जहां कोविड लोगों को हुआ, फैला, जो लोग सीरियस हुए वो एडमिट हुए, जो लोग नहीं सीरियस हुए क्या उनके इसमें जीरो डैमेज है, बॉडी में कोई नुकसान नहीं है? ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी की बॉडी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%, 50% डैमेज होगा और वो आपको ससेप्टेबल बनाएगा कि आपकी एग्जिस्टिंग बीमारी जो है वो आसानी से आपको दिक्कत करेगी या आगे आने वाली बीमारी आपको और दिक्कत करेगी। अब आपके पेट में छाले आसानी से हो रहे हैं या अब आपका थोड़ा सा बाहर खाया तो पच नहीं रहा, दिक्कत हो रही है। सो अब और प्लस इतने टाइम से जो मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन के बाद कई ऐसे पेशेंट हैं जो फॉलो अप के लिए भी नहीं आए, है ना, कि भाई डॉक्टर साहब को दिखाना हम नहीं जा रहे हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, कोविड है कोई भरोसा नहीं, है ना। तो अब क्या होता है, वो पेशेंट भी वापस आ रहे हैं जो भाई दिखाना है, अब नए पेशेंट भी आ रहे हैं और जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है वो ससेप्टेबल पेशेंट भी आ रहे हैं। फिर अब कई लोग कोविड वैक्सीन लगाने के बाद वापस आ रहे हैं कि हमें बुखार लॉट हो गया, ये हो गया। सो अब हॉस्पिटल्स इस वजह से ओवरलोड चल रहे हैं, तो चल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, जो है सो है। ओके, सो डॉक्टर साहब आज जो हमारा टॉपिक है वो है समर एंड इलनेसेस। तो समर्स के मतलब पिछले साल तो हमने बहुत सारी ऐसी बातें की थी, कोविड की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो पिछली बार बिफोर टॉकिंग टू डॉक्टर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ द ऑडियंस। पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे जो लोग है ना वो ये कह रहे थे कि समर्स में बहुत कोविड जो है ना वो आसान हो जाएगा, कोविड से निपटना आसान हो जाएगा, कोविड तो रह नहीं पाएगा। सो डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे कि वाकई में क्या कोविड की जो तीव्रता है, क्षमता है, वो कम हो जाती है समर्स के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीव्रता और क्षमता तो समर के दौरान कम हो जाना नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही कोविड का ये है, ये म्यूटेट बहुत जल्दी हो रहा है। और चलो अरविंद, आपका जो सवाल है वो भी यही है, इज देयर एनी कनेक्शन इन कोविड एंड समर्स? वी आर आस्किंग डॉक्टर एंड डॉक्टर इज आंसरिंग अबाउट द सेम नाउ। सो देखो, समर में सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्माइट इन्फेक्शन बोलते हैं, इन्फेक्शन ड्यू टू फॉर्माइट, फॉर्माइट का मतलब है आपने बात करी, आपको कोविड है, आपके मुंह से जो बौछार निकली, मतलब आप वायरस याद है, वायरस बौछार निकली ऐसा नीचे बैठ गई, फव्वारा निकला ऐसे बैठ गया और वो फिर उसमें ऐसे ड्रॉप 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 है। अब आपने वही टेबल पे आप छोड़ के चले गए, आप उस कमरे में आए, टेबल पे बौछार छोड़ के चले गए, फिर दूसरा कोई आया वो टेबल पे ऐसे हाथ लगाया और फिर उसको अक्कल नहीं है, उसने ऐसे हाथ लगा के तो फिर उसके अंदर चला गया। सो समबडी हु इज नॉट फॉलोइंग प्रिकॉशंस, समबडी स्पेशली हु इज सिक, जो बीमार है वो अगर प्रिकॉशन नहीं रखता है तो ये इस तरह फॉर्माइट से फैलता है। अब प्रॉब्लम क्या है, गर्मी के टाइम पे
जो बाहर जनरल बाहर पार्क है या इधर है उधर है, वहां पर जो कोविड गिरेगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल इंडोर का तो कोई लेना देना, इंडोर में तो भाई एसी चल रहा है, इंडोर में तो हाँ क्या लेना देना है ना। सो मॉल के अंदर क्या लेना देना। तो टेक्निकली ये आज के एरा में गर्मी सर्दी का कोई लेना देना नहीं है, गर्मी सर्दी का कोई नहीं। जितना फैल रहा है कोविड, बोलते हैं ना कोविड ज्यादा इंडोर्स फैल रहा है, घर के बड़े बड़े एरिया में जहां लोग इकट्ठे होते हैं, इंडोर्स कोविड ज्यादा फैलता है रादर देन आउटसाइड। आप बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं, आप गार्डन में घूम रहे हैं, तो आपको कोविड होने के चांसेस बहुत कम है, निगलिजिबल है। लेकिन अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हैं तो वहां आपके चांस बढ़ जाते हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके ऑफिस में किसी को है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए ये समर समर का कोविड पे कोई खास असर नहीं होगा, सिर्फ बाहर का थोड़ा सा असर होगा और मेट्रो वेट्रो में असर हो सकता है, क्योंकि मेट्रो बाहर ही रहती है, वैसे तो उसमें भी एसी चलता रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। लेकिन बाहर जो खड़े लोग हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, तो वहां पर इंडिविजुअली नहीं फैलेगा, मेट्रो के अंदर जाने के बाद रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपको उसकी उसकी मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ रिस्क है कहाँ नहीं है, अल्टीमेटली कहाँ पे आपको मास्क लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। घर के अंदर, आपके खुद के घर के अंदर नहीं लगाना है, ऐसे बंद कमरे में नहीं लगाना है, लेकिन बाहर जा रहे हो, हम जाते हैं पेशेंट देखते हैं, हमको भी हम लगाना पड़ेगा। चाहे हमने 2 बार वैक्सीन लगा ली पर उसका मतलब ये नहीं कि हम हो गए हैं, है ना, शक्तिमान। राकेश है यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, आई स्टिल हैव कोविड एंटीबॉडीज आफ्टर 8 मंथ्स, विल आई स्टिल कैच द म्यूटेंट वायरस इन्फेक्शन? आपको अगर कोविड की एंटीवायरस है तो एंटीबॉडीज है, तो वो कोई दरवाजा तो है नहीं कि वायरस अंदर नहीं जाएगा, है ना, इट्स नॉट अ बैरियर। तो वायरस अंदर तो आपके भी जा सकता है, मेरे भी जा सकता है, किसी के भी जा सकता है। बिल्कुल तो दी ओनली थिंग यू हैव इज दी एबिलिटी टू किल द वायरस फास्टर, दैट्स इट। ये आपके सिर्फ ये कह लीजिए कि आपके घर में जो वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, मच्छर मारने वाले इधर उधर वो इलेक्ट्रिक वाले लगे हुए हैं कि मच्छर आएंगे तो जल्दी मर जाएंगे, और कोई फर्क नहीं है उसमें। मच्छर आपके घर में आ सकते हैं, कोविड आपके अंदर आ सकता है, आपके केस में बिकॉज आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं तो आपको सीरियस इंफेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब चांसेस कम है सीरियस इंफेक्शन होने के। मगर वो कब तक एंटीबॉडीज रहेंगे ये किसी को नहीं पता, 2 महीने रहेंगे, 4 महीने रहेंगे, कोविड तो भाई सालों साल रखे ख्याल रहता है, क्या करें हम। कोविड नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाने वाला कोविड, कोविड का जाने का इंतजार मत करो। ये हर साल की वैक्सीन के साथ आएगा, हर साल एक वैक्सीन लगानी है कोविड की, वैक्सीन ऐसी होने वाला पहले तो बाबा तो बचपन में वैक्सीन लगती थी, अब तो ये जिंदगी भर वैक्सीन लगाना है। है। हाँ लगाना पड़ेगा, हर साल की कोविड वैक्सीन लगेगी, वो फ्लू के साथ जोड़ देंगे, फिर कहीं ना कहीं जोड़ के फ्लू शॉट आता है हर साल का। मतलब ये पॉस्टुलेशन है, ये WHO की तरफ से घोषणा नहीं है, तो डॉक्टर परमजीत से बोला है तो करना ही है। घोषणा नहीं है, तो चांसेस है कोविड विल नॉट गो अवे, इट्स नॉट, जैसे H1N1 है वो था वो है वो रहेगा, वैसे कोविड था है रहेगा। म्यूटेशन तो होते रहते हैं, कभी म्यूटेशन हो जाएगा जो लेस डेंजरस होगा, लेस इंफेक्टिव होगा, और कभी म्यूटेशन आ जाएगा जो ज्यादा इंफेक्टिव होगा, तो ज्यादा लोगों को हो जाएगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज मच मोर पॉसिबल कि ये जो ज्यादा इंफेक्टिव वाला कोविड है ये उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी इतने सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जिसमें इंसान की इम्यून सिस्टम खराब हो गई है, ऑलरेडी सिस्टम डैमेज हो गया है, उसके ऊपर लेस डेंजरस वाला भी हावी हो सकता है। अब यही सब हावी पना एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर डाल दोगे तो वो बुजुर्ग इंसान सीरियस हो सकता है, वो बुजुर्ग इंसान सीरियस हो सकता है, उसमें हार्ट अटैक हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। सो अल्टीमेटली मेडिकल केसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल केसेस सीरियस केसेस बढ़ रहे हैं, तो दैट भी हम उसके लिए सोच लेंगे कि ये नया वायरस म्यूटेंट है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर नहीं, अल्टीमेटली इट इज नॉट, मतलब जरूरी नहीं है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि भाई ये नया वायरस ही खतरनाक है, एक 0 पेशेंट में एकदम से उसको खराब कर देगा, नहीं, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ है बच्चे, बच्चों को नहीं हो रहा, बच्चों को नहीं हो रहा, बच्चों को नहीं खराब कर रहा, बच्चों में थाइमस ग्लैंड है वहां पे इम्यून सिस्टम है, यंग आदमी इतनी जल्दी बीमार नहीं हो रहे, सिर्फ
सिर्फ बुजुर्ग ही क्यों? तो बुजुर्गों के बारे में आपको ओके सो तरुण आई गेस यू गॉट योर आंसर. आप पूछ रहे थे कि व्हाई कोविड इज बाउंसिंग बैक, वो भी हैड टेकन फुल प्रिकॉशंस एंड नाउ वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल. सो डॉक्टर ने डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं आई गेस अबाउट कोविड. सो डॉक्टर साहब, जब कोविड इतना ज्यादा फैला हुआ है, लोगों के दिमाग में डर है, हाइजीन का भी कॉन्शियसनेस अब बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो गर्मी के सीजन में और ज्यादा परेशान कर सकती हैं? नॉर्मल गर्मी में जो बीमारियां होती हैं, क्या वो इस बार और ज्यादा परेशान कर सकती हैं या कम हो सकती हैं? एब्सोल्युटली. बाहर गोलगप्पे मत खाना, फिर मेरे को मत बोलना मैंने मना नहीं किया, ठीक है? गोलगप्पे खा रहे हो, बाहर का गन्ने का जूस पी रहे हो, ठीक है? घर में रहो, घर में खाओ पियो, घर में गन्ने का जूस तो नहीं बनेगा तो भूल जाओ. So I'm just saying कि प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. सो यू कैन नॉट एंजॉय. सो यू कैन नॉट एंजॉय द समर. बाहर गोल ना बर्फ के गोले खा रहे हैं और सोच रहे बर्फ के गोले में तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार. सो मतलब एट द मोमेंट when there is uncertainty hai, right? So why do you have to take the risk, right? First, abhi kya tha, main aapko bata, first jo wave aayi thi, jo pehle saal bhar chali, usme itne sare log infect hue, itne sare log hue. Ab is second wave mein aap dekhenge kai sare log hain jinke khud ke relative, khud ke log known cases sare infect ho rahe hain, बीमार हो रहे हैं, कई एडमिट हो रहे हैं, फिर ठीक हो रहे हैं. बट दैट सेज कि इट हैज द पोटेंशियल टू डैमेज यू, राइट? इट हैज द पोटेंशियल टू डैमेज यू. अब अगर पत्थर भी गिर रहे हैं, कंकर भी गिर रहे हैं, गोली नहीं है तो बचना तो पड़ेगा ना, है ना? गोली चलेगी तो भी बचोगे, पत्थर भी लगेंगे तो भी बचोगे, है कि नहीं? छोटा भी है, बड़ा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब पता ही नहीं है कि छोटा पत्थर है कि बड़ा पत्थर है, कि आग का गोला है कि तोप का गोला है, तो बच्चो, सीधी सी बात है. So we don't know that. Absolutely. अब पिछले साल तो चलिए लॉकडाउन ही था तो बहुत सारी चीजों से हम बच गए, लेकिन इस बार लॉकडाउन भी सरकारें थोड़ा बच बच के कर रही हैं, कर्फ्यूज लग रहे हैं, जैसे मुंबई में कर्फ्यू है. लॉकडाउन करना थोड़ा लॉजिकल नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं है. बोर्डला इंडिया के अंदर लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं है, वो कोने कोने तक पछता नहीं है और लोगों की इतनी ज्यादा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल उनके काम धंधे उस पर इतना अफेक्ट है कि डिप्रेशन, कॉर्टिसोल लेवल, इन्फ्लामेशन उनकी बॉडी में ऐसे बढ़ रहा है कि उसी के वजह से अब उस स्थान को कोविड बचाने के चक्कर में अब उसको छोटा वाला भी वर्जन होता है तो भी उसका फैल जाता है. तो लॉजिकली वो इलॉजिकल है. अब गवर्नमेंट क्या करेगी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर इट इज इलॉजिकल टू डू एनी काइंड ऑफ लॉकडाउन्स मेरे हिसाब से. लोगों को होगा, ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि ठीक है, इट इज समथिंग लाइक अ तेज हवा एंड यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. ये अभी की बात है, कभी की बात है, आपके पास झोंका आ सकता है. ऑल यू नीड टू डू इज प्रिपेयर योरसेल्फ. यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, यू कैन मेक योरसेल्फ एबल टू विदस्टैंड इट. दैट इज व्हाट यू कैन डू. राइट, एब्सोल्युटली. सो पिछले साल जैसे मैं कह रही थी, पिछले साल लॉकडाउन था ही तो इसकी वजह से शादियां या पार्टियां ये सब नहीं हो पाया, लेकिन अब लोग चूंकि साल भर से ऊब चुके थे तो अभी भी पीपल आर गोइंग आउट फॉर वेकेशंस, लोग अभी भी शादियां मना रहे हैं. आज ही मैंने देखा मेरे बिल्डिंग के पीछे जोरदार धूमधाम से शादी हो रही थी. इस सब के बीच में फूड पॉइजनिंग जैसी जो बीमारियां होती हैं, ये सारी कॉमन गर्मी की बीमारियां होती हैं, सो अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी बीमारियां होती है अलोंग विद कोविड. यस, अगर आप इसके देखें तो बाकी सारी बीमारियों की जो प्रवृत्ति, जो ये वो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी जो बढ़ जाएगी, बाकी सारी बीमारियां ज्यादा मात्रा में आएंगी. और यहाँ पे एक्चुअली फूड पॉइजनिंग और ये चीजें कम सिर्फ इसलिए होंगी क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग आउट आर लेस,
ओनली थिंग इज दैट फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं, पीपल आर एंजॉय देयर लाइफ, उसमें कोई मना ही नहीं है भाई. देखो लेकिन उसकी जिम्मेदारी खुद की है. आपको पता होना चाहिए कि भाई इफ यू आर गोइंग आउट तो आपको अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको अपना आगे वो करना है. बाकी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना हो सके यू नो ट्राई टू फाइंड जो भी आपको चाहिए राइट वो आप घर पे फाइंड करने की कोशिश करो, हेल्प करो एक दूसरे की, बाहर जाओ एंजॉय करो तो प्रिकॉशंस लेके. तो आपको बेसिक पता होना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको नॉलेज है तो आप बाहर भी जा सकते हो, खुले में घूम सकते हो, गार्डन में घूम सकते हो. बंद कमरों में प्रॉब्लम है, बंद एसी रूम्स में प्रॉब्लम है. अगर कोई पार्टी रख रहा है और वो खुले हवा में रख रहा है तो उसमें किसी को भी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. सो देयर आर थिंग्स वी कैन डू. अब एक जिसको नॉलेज नहीं है वहां पे तो फैल सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं ऑब्वियसली तो मतलब आप खुद के लिए आमंत्रण दे रहे हैं ऐसी चीजों के लिए. राहुल शेरके यहाँ पर पूछ रहे हैं डॉक्टर वैक्सीन के बारे में. ना वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है. राहुल इज आस्किंग अबाउट द सेफ्टी एंड उसके बाद फीवर क्यों आता है. भाई वैक्सीन के बाद फीवर तो आना बनता है ना, ये कौन सा तरीका. फीवर आता है बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाए जा रहे हैं. आपकी बॉडी को बोल रहे हैं, आपकी बॉडी को उल्लू बना रहे हैं हम आपकी बॉडी को कि भाई ये देखो ये है वायरस. तो उसको बोलते हैं ये वायरस है, इसको लो इसको मारो. और वो चीज दे देते हैं जो वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कर सकता है. वो इन्फ्लामेशन कौन करा करता है, आपका बॉडी. आपका बॉडी इन्फ्लामेशन पैदा करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है. वो प्रोसेस अपने आप में ऐसा है जिसमें ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो थोड़ा सा बुखार करते हैं. अगर वैक्सीन के बाद एक दिन का बुखार नहीं आया तो आपको ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी इम्यून सिस्टम नहीं है आपकी. ठीक है कि बहुत अच्छी इम्यून सिस्टम नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी बड़ी हो. और अगर बुखार बहुत ज्यादा आता गया खत्म ही नहीं हो रहा तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप वैक्सीन लगाने गए थे और कोरोना लेकर आए हो क्योंकि वहां भीड़ बहुत थी. तो ऐसा होता है. अच्छा ओके. और ये भी बताना जरूरी है ना डॉक्टर कि वैक्सीन लगते साथ आप जैसे आपने अभी बताया कि वैक्सीन लगते साथ जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल शक्तिमान या शेर खान बन गए. उसके बाद भी टेक्स टाइम फॉर योर बॉडी टू एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट. It takes time and see, it is something like ki if you feel the hai aap bahut aaram se withstand kar sakte hain. Even then people become more overconfident. Hai mujhe bade kuch hoga, I am okay, ye nahi hai wo nahi hai. But only responsibility here is that if you have symptoms, sabse badi responsibility hai ki agar aapko symptom hai, khansi hai, bukhar hai, तब आप जो है जितना एक नॉर्मल इंसान फैलाएगा उससे 100 गुना ज्यादा फैला सकते हो. सो तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तब आप अपने आप का ख्याल रखें, मास्क अच्छे से पहने, घर पे रहे, आइसोलेटेड रहे, अलग रहे. अगर एक सिम्टोमेटिक पेशेंट अपने आप को अलग रखने लग जाए तो भी ये कंट्रोल हो जाएगा या एट बे रहेगा, मैनेजेबल रहेगा, वहां पे कोई इशू नहीं आएगा. पर प्रॉब्लम इज डिनायल. प्रॉब्लम इज मेरे को तो हो ही नहीं सकता है ना, मेरा काम बहुत जरूरी है. ऐसे डिनायल में लोग वो है फैला देते हैं. ओके सो डॉक्टर इस बार भी क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ज्यादातर जो शहरों में लोग हैं अगर पॉसिबल हो वो अपने बिकॉज अभी बच्चों के वेकेशन भी शुरू हो रहे हैं तो इज इट एडवाइजेबल दैट दे गो इनटू रिमोट प्लेसेस वेयर इट्स पॉसिबल फॉर देम टू वर्क फ्रॉम होम और स्टे वेयर बहुत ज्यादा भीड़ भड़का ना हो या सिटीज के आसपास रहना जरूरी है जहां पर हॉस्पिटल्स वगैरह ज्यादा आपको अच्छी मेडिकल केयर मिल पाए. नहीं देखो जितना आप अगर घर आपका सिटी में है देखो घर पे रहना ज्यादा जरूरी है बिकॉज यू नेवर नो हाउ लॉन्ग दिस गोइंग टू बी. इट्स नॉट अ 5 डे थिंग कि भाई कुछ बाहर से आ रहा है और आप निकल जाएगा, है ना. 10 दिन की बात है, 1 महीने की बात नहीं है. तो ये कोविड का झमेला है. साल चलेगा, 2 साल चलेगा, कितने साल चलेगा किसी को नहीं पता. सो टेक्निकली यू हैव टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियली वेयर यू आर स्ट्रांग. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग गांव में हो तो गांव में रहो, बट आप शहर से कनेक्टेड रह सकते हो ना. टेली कंसल्टेशंस हैं आपके पास में. आपको नॉलेज होना चाहिए कि भी मेडिकल स्टोर कितना दूर है, वहां से क्या लाना पड़ सकता है. आपको थोड़ा सा आइडिया है. एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड इन एनी केस
गांव या ऐसे जगहों पे जहां पे खेत वेत है वहां होता ही कम है बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन. वेंटिलेशन इतनी है और उनको पता होता है बीमार आदमी घर से निकलता ही नहीं है, निकलता भी तो अपने खेत जाता है और कहीं किसी के मिलता उलता है नहीं. सो वहां पर इसीलिए कम है. लेकिन जो शहर है जहां पे बहुत ज्यादा बिल्डिंगे हैं, ये है वो है, बंद एरिया है, तो वहां ज्यादा फैलता है. कॉमन एरियाज है, कॉमन लिफ्ट है ना, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. आपको अगर थोड़ा खुद से खुल के सोचेंगे यू विल सी सस्पेक्टेड एरियाज. एंड एक बिल्डिंग है जहां पर मान लीजिए 50 फ्लोर है, मुंबई की बात कर लेते हैं, 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 लिफ्ट है और उसमें 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 में से क्या एक को भी नहीं होगा? एक को होगा तो वो क्या लिफ्ट में छोड़ के नहीं आएगा? वो लिफ्ट में छोड़ के आएगा, फिर आ जाएगा लिफ्ट में हाथ लगाएगा, फिर वो इधर वो सबको फैला देगा. सो इट इज वेरी इजी टू, इसलिए मैंने कहा ये हवा आप तक पहुंचेगी. सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि पहुंचे चलो पहुंचे, पर थोड़ी सी पहुंचे, ऐसा नहीं खूंखार तरीके से अंदर चले जाए और बहुत ज्यादा हैवी इन्फ्लामेशन करे. और अगर आपको सिम्टम हो रहा है और आप फैलाने लग जाए, ऑल यू नीड इज अ लिटिल बेसिक नॉलेज, एटिकेट्स एंड अ गुड इम्यून सिस्टम, प्रॉपर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज. राइट, लोगों का क्या है कि कोविड में लॉकडाउन हो गया, काम धंधे बंद हो गए, तो घर में बैठे हैं, मैं तो सारा दिन बैठा रहता हूँ. अरे भाई शरीर पे काम कर लो, अभी शरीर खराब करके बैठे हो. हाँ, शरीर खराब कर दोगे फिर जब काम शुरू होगा तब शरीर के लिए परेशान हो गए, अभी काम के लिए परेशान. सो अ लॉट ऑफ सी वी डोंट थिंक लॉजिकली, वी गेट डिप्रेस्ड. इट्स वेरी इजी टू गेट डिप्रेस्ड, एवरीबॉडी इज डिप्रेस्ड, द वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड. यू डोंट हैव टू बी डिप्रेस्ड यार. लोग बोलते हैं इफ यू हैव अ लेमन मेक अ लेमन, इट्स वेरी इजी, जस्ट बी पॉजिटिव और कुछ नहीं है. So beautiful. यही चीजें हैं डॉक्टर, दिस इज व्हाई यू नो आप पे लोग मेहरबान है, बिकॉज आप जितनी आसानी से ह्यूमर ऐड कर देते हैं अपनी बातों में, उतनी आसानी से आप ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, स्पिरिचुअल चीजें बताते हैं. दैट इज समथिंग विच इज ब्यूटिफुल. थैंक यू फॉर डूइंग दैट. सर, इफ आई हैव कोविड एंड आई डोंट नो अबाउट इट एज आई मे बी एसिम्प्टोमेटिक एंड आई गेट वैक्सीन, विल इट हार्म मी? नो, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन होगा. इफ यू हैव कोविड, टेक्निकली योर बॉडी विल बी प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज. ठीक है, योर बॉडी विल बी फाइटिंग द एक्चुअल खतरनाक कोविड वायरस. उसमें आपने कोविड वायरस का एक छोटा सा भाई भेज दिया, ये एक छोटा भाई है, तो उसको ऐसे हट बाजू, तो उसे मार के खत्म कर देगी बस, तो उसको पता भी नहीं चलेगा वैक्सीन से. इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई टेंशन नहीं है वैक्सीन लगाने से, है ना. Can vaccine cause side effects in future? I don't think so. ठीक है, I don't think so. देखो, theoretically vaccine का side effect नहीं होना चाहिए. ठीक है? Now practically there are, see होता क्या है? अब इसमें simple आम इमली जैसा सीधा simple नहीं है. हमने आपको अगर ये इसमें क्या है? Vaccine है. Vaccine को बनाने में अगर उन्होंने जैसे capsule है, आपको हमने multivitamin दी. मल्टीविटामिन से आपका पेट खराब नहीं होना चाहिए, कोई एक मल्टीविटामिन है सिंपल, लेकिन उसको बनाया गया कैप्सूल में डाल दिया. अब वो कैप्सूल को बनाने के लिए उन्होंने सेल्यूलोज का या जिस चीज का इस्तेमाल किया, उस चीज से आप एलर्जी को, आपने गोली खाई आपको एलर्जी होगी. दवाई का कोई गलती नहीं है, कैप्सूल की गलती. वैसे हाँ. वैक्सीन से नहीं, वैक्सीन के अंदर जो बनाई गई दवा, उसके अंदर जो उसका जो सॉल्वेंट है या जो है, किसी को एलर्जी है उससे, किसी को आगे चल के कोई साइड इफेक्ट हो. भाई दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, किससे किसको क्या हो, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि क्या वैक्सीन से फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट होगा, थ्योरेटिकली नहीं होना चाहिए. किसको होगा किसको नहीं, हजार लाखों करोड़ों में से किसी एक को होगा तो हो सकता है, भाई इम्पॉसिबल इज नॉट सी. पर प्रैक्टिकली आपको क्या देखना है, रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना है. रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है. अगर अभी आपको चांस मिले तो बचाओगे खुद को तो बचाओ, सीधी बात है. मतलब पहले से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज भी है, उसमें कैल्शियम भी डिपॉजिट हो रहा है
और कितना ब्लॉकेज है उसमें परसेंटेज तो नहीं लिखा होगा, लेकिन उनको खून पतला करने की दवाइयां चलनी चाहिए कोविड के लिए भी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए भी उनको, बाकी कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट चलना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन उनका सिवियरिटी, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। और सीआरपी लेवल्स दिन दिन के गैप में करा के देखिए बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। दो तीन दिन के गैप में सीआरपी बढ़ रहे हैं तो एडमिट भी करना पड़ेगा, कम हो रहा है देन यू आर गुड। उसमें क्या क्या दवाई चलेगी ऐसा खुले में नहीं बता सकते, मगर चलनी चाहिए फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन डिपेंडिंग अपॉन योर सिवियरिटी। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं डॉक्टर इस सीजन में जो भी बीमारियां होती हैं, अलग अलग बुखार होते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये गर्मी की नॉर्मल चीजें हैं, इस बार और बच के हमें इससे भी दूर रहना चाहिए, सो दैट हॉस्पिटल्स पे आप भी जोर ना डालें। इस बार आपको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीजेस ज्यादा होंगी रेदर, कुछ पहले क्या होता है हम दूसरे की गलती का भुगतते हैं कि अगर मान लीजिए बाहर से कुछ खा पी रहे हैं तो बाहर से उसने प्रॉपरली हाथ नहीं धोया तो हमको टाइफाइड हो गया, तो ऐसा अब ये हमारा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है कि हम बैठे हैं 10 किलो वजन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, आओ पकौड़े तले और खाए, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है ना फिर तो फिर ये दिक्कत हो जाती है कि हाँ कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, तो यू नीड टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ राइट। इफ देयर इज अ दुश्मन, ये सर जुबान की प्रॉब्लम है, ये पूरे शरीर की नहीं है, सबसे ज्यादा जुबान की प्रॉब्लम है। करेक्ट, वो तो है, देखो जुबान तो सबको चाहिए बट इट्स ऑल अबाउट एंड इट्स ऑल इन द माइंड राइट। इफ यू नो दैट समथिंग इज गोइंग टू हार्म यू, you will stop liking it right, that's how it is। वो अच्छा ही नहीं लगता, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको, थोड़े दिन में पता चल जाए ये तो मेरे को नुकसान दे, है ना, तो बहुत दिक्कत है। ओके, तो इतना बस खुश रहिए। यस, चलो आज थैंक यू। ओके डॉक्टर, बाय बाय। यस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड टेलिंग अस अबाउट द समर्स एंड हाउ टू कीप अस सेफ इन दैट।